स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो साउथ इंडिया जर्नी व्लॉग्स पूरी सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है। शायद 6-7 वीडियो बने हैं उसके जो मैंने डाल दिए हैं, और इसमें बड़ी ही मेरी मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, बहुत सर्च भी लगी है। कितनी बातें घर आने के बाद पता चली कि अरे वो जगह ऐसी थी, वो ऐसा था, तो बहुत टाइम भी लगा। तो मैं कब आ गई थी, 9 तारीख को मैं आ गई थी, लेकिन अब आज हो गई है 25 तारीख, तो इतना टाइम लग गया मेरे को। कल मैंने अपना लास्ट व्लॉग डाला था, आशा करती हूँ आपने सब देखे ही होंगे। और जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि इतना घूम कर आने के बाद मेरा वेट क्या रहा। तो उस दिन का जब मैं लौट कर आ गई थी वहाँ से, तो मैंने एक थोड़ा सा व्लॉग शूट करा था कि मेरे घर की क्या हालत है और ये क्या 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 हो रहा है। तो फिर यहाँ मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं आपके साथ ये बीच के वो दिन शेयर कर देती हूँ कि इस बीच कुछ खास जो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट करा, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस तो उसी पर था, अपने साउथ इंडिया व्लॉग शूट करने में। पूरा पूरा दिन मैं बैठ करके वही बनाती रहती थी, फिर ऊपर छत पर चली जाती थी, वॉइस ओवर देना उस पर सबसे बड़ा काम था। तो फिर ये हैं कुछ अपडेट्स आपके सामने। घूम कर आने के बाद वैसे मुझे कोई भारीपन तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि मशीन क्या बोल रही है ये देख लें। तो यहाँ मैंने बिफ़ोर और आफ्टर फ़ोटो डाली हुई है। तो जाने से पहले मेरा वज़न था 57.5 और लौट कर आई तो था 58.1। तो यानी केवल 500 ग्राम मान सकते हैं कि मेरा वज़न बढ़ा है। इसका क्या कारण रहा तो वो भी मैं भी आपसे बात करूँगी। हम रात को आ गए थे, ये अगले दिन सुबह का वक्त है और पूरे घर में ये मेरे कपड़े पूरे फैले हुए हैं। मैं सुबह से ही धुलाई में लग गई क्योंकि सारे ही कपड़े गंदे थे, वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं कि वहाँ धोएं। और उसके बाद जो मेरे चेहरे पे जो टैनिंग हो गई थी ना भयंकर वाली, और उसका इलाज भी फिर मैंने तुरंत ही शुरू कर दिया। अभी आपने मेरा फेस देखा था ना, अब बिल्कुल भी टैनिंग नहीं है। तो अपनी टैनिंग हटाने के लिए मैंने क्या क्या उपाय करे ना, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। कि कभी आप लोगों को टैनिंग हो जाए और आपका स्किन जो है वो मेरी तरह है तो इस पर क्या काम करेगा, तो वो भी आप देख सकेंगे। तो ये मैं वीडियो एक ज़रूर डालूंगी। जाने से पहले मैं दूध सब्जियाँ सब ख़त्म करके गई थी। मुझे पता था कि 9-10 दिन में तो सब खाना ख़राब हो जाना है, ये सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो ये सुबह मैंने ये सब्ज़ी ली है और केवल 2 टमाटर थे जो ठीक थे, तो उसकी मैंने ये टमाटर आलू की सब्ज़ी और चावल बनाए हैं। इधर मैं छुट्टी पे गई थी और इधर मेरी क्रांति भी छुट्टी पे गई हुई थी। तो जब वो आई तो वो अपने गांव से, देखिए मेरे लिए ये बेर लाई है, ये सूखे हुए बेर, इनको उबाल कर और उसमें थोड़ा सा गुड़ और नमक, काला नमक डाल करके उबाल लिया जाता है, फिर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये रही मेरी मछलियाँ। घर आते ही पता है सबसे पहले मैंने अपनी मछलियों को ही देखा कि ये सब सही सलामत हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग गए हैं इतने दिन के लिए। वैसे जाते हैं 2-4 दिन, लेकिन इस बार बहुत लंबा था, लेकिन सब सही सलामत थी, बढ़िया थी। इन लोगों का एक अलग दाना आता है, जब जाते हैं तो वो डाल के चले जाते हैं उन गोलियों को। तो सफ़ेद रंग की गोलियाँ होती हैं जो कि आपको वहाँ मिल जाएंगी मछली वाले के पास। ये देखिए बाहर बालकनी का भी यही हाल है जो अंदर मेरे पीछे था। ये सब साड़ियाँ वाड़ियाँ सब सूख रही हैं, पूरी बालकनी मेरी इसी से भर गई है। और एक दिमाग पता है पीयू में भी लगा था कि हे भगवान, 9-10 दिन हो गए हैं, पीयू का क्या हाल है, कोई बाजरा डालने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो वो आएगा कि अब नहीं आएगा। वैसे मुझे पता है कि वो यहीं कहीं आसपास रहता है, और फिर वो एक दिन आ गया, सीधे मेरे बालकनी में नहीं आया, वो सामने छत पर था। तो मैंने जैसी उसकी आवाज़ आ रही थी पीयू पीयू, तो फिर मैं बाहर गई और फिर मैंने उसे पुकारा कि पीयू आ जाओ करके, तो वो समझ गया और ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रहा था और फिर वो उड़ करके आ गया। फिर उसने बाजरा खाया, वो बर्गर खाया, फिर तो वो समझ गया कि हाँ भैया ये आ गई हैं, अब तो यहाँ 1-2 दिन में आना ही आना है। उसके अलावा भाई ये आते रहे हमारे वानर सेना, ये भी रेगुलर मेहमान है जो कि आके कभी बाजरा भी खाते हैं, या कोने में कुछ पड़ा रहता है बच्चों की सब्जी रोटी बची हुई, तो वो खाना भी उन्हें पता है कि इस कोने में मिल जाएगा, तो वो लोग भी रेगुलर आते रहे। और अभी कुछ दिन पहले जो मौसम चेंज हुआ ना, कितनी बरसात हुई थी, तो वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लिया था कि कितना अच्छा सा मौसम हो गया है, नहीं तो इस टाइम तक काफ़ी गर्मी हो जाती है। घूमने जाने से पहले मुझे लग रहा था कि बाहर कचर पचर खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, मैंने जो इतनी मेहनत करी है इसे कम करने में वो सारी बर्बाद हो जाएगी। जैसे जनवरी में मेरा वज़न कितना था, 62 किलो था, और जिसे मैंने कम कर करा के 57 पर मैं ले आई थी, यानी पूरे 5 केजी का मेरा वेट लॉस था वो। तो
तो घूम के आने के बाद वजन हुआ 58 kg, यानी कि केवल 500 ग्राम ही मेरा वजन बढ़ा। तो इसकी क्या कारण रहे कि मैं ओवरवेट नहीं हुई, तो इसके पीछे मैं कुछ कारण मानती हूँ। जैसे कि पहला, इस ट्रिप में हमें चलना बहुत पड़ा। साउथ इंडिया में अगर आप किसी मंदिर में जाते हो ना, तो वो मंदिर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आप गए और सामने भगवान बैठे हैं। अरे भैया, बहुत लंबा गलियारा होता है जो आपको चल के जाना पड़ता है वहाँ, बिल्कुल। और वो लगे रहते हैं, वो बैरिकेडिंग लगी रहती है, इधर मुड़ो इधर मुड़ो, है तो उधर ही मंदिर, भगवान जी बैठे हैं, लेकिन ऐसे आप जा नहीं सकते। इधर मुड़ो इधर मुड़ो, एक तो लंबे गलियारे, ऊपर से फिर वो भीड़ के चक्कर में वो जो उन्होंने लगा रखा होता है ना, उसमें भी बहुत चलना पड़ता है। उसके बाद दूसरा मेन था हमारा बीच घूमना। वहाँ तो हमारे सारी जगह वो बीच की ही थी, चाहे वो त्रिवेंद्रम केरल ले लो, चाहे वो कन्याकुमारी ले लो तमिलनाडु का, या रामेश्वरम ले लो, तो सब जगह बीच में आपको चलना ही चलना है। फिर चेन्नई का बीच तो मैंने अभी आपको दिखाया ही था भाई, उसमें तो इतनी दूर बीच था वो कुछ पूछो नहीं। यानी कि वहाँ चलने का सबसे बड़ा काम रहा। आप जो भी खा रहे हो वो चल चल के सब पच जा रहा है, सब हो जा रहा है बराबर। चलो, और दूसरा कारण मुझे लगता है वहाँ का जो खान पान है, जैसे कि वहाँ हम क्या खा रहे हैं, इडली डोसा वड़ा चावल और वो चटनियाँ सांभर दाल, और वहाँ की जो लोकल सब्जी है वो, तो वो भी बड़ी सुपाच्य हैं जो वहाँ की आबो हवा में आसानी से पच जा रही हैं। ऐसा कोई वो भारी खाना नहीं है। और मुझे लगता है इसी जगह मैं पंजाब गई होती ना, खूब छोले भटूरे खा खा के तो मैंने अपना वजन खूब बढ़ा लिया होता। खैर, मजाक कर रही हूँ। खैर, नॉर्थ का खाना भी हमने वहाँ पर खाया, आपने देखा मैंने नान वगैरह भी खाए वहाँ पर, पनीर खाया, नान खाया, दाल तड़का खाई, खूब मसालेदार खाना खाया। लेकिन वहाँ हमारी शारीरिक एक्टिविटी बहुत थी, है ना, हम बहुत चल फिर रहे थे, तो इसलिए वो खाना भी आराम से पच गया। तो ये सारा वजह मुझे लगता है, तो मैं अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, लेकिन हम वजन कम करेंगे और देखते हैं, अपना खान पान अभी ठीक करूँगी। अभी मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, इन दिनों तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मूड बनाऊँगी ठीक से करने का। अभी नवदुर्गे वगैरह चल रहे हैं तो ये निपट जाएं, फिर हम करेंगे। तो आज के ब्लॉग में फिर इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ आपके साथ, वो मैंने जो अपनी ये टैनिंग हटाई ना, अभी तो देखो फेस ठीक है, वो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो ना वाली, जिसमें मैं हम लोग एरोप्लेन से आ रहे हैं, अरे भैया कितनी टैनिंग थी। और मेरी टैनिंग भी पता है अजीब टाइप की थी, ऐसे पैचेस से हो गए थे, स्पॉट स्पॉट से यहाँ पर बहुत हो गए थे। पता नहीं कैमरे में आपको उसमें दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन अब काफ़ी चेहरा मेरा सही है। वो टैनिंग तो मतलब होम रेमेडीज़ मैंने करी हैं बिना कोई खर्चे के, और मैंने सोचा था वहाँ जाऊँगी, क्या नाम है, पार्लर जाना पड़ेगा, फेशियल वगैरह, लेकिन मैंने अभी तक फेशियल लिया ही नहीं है, मैं गई ही नहीं हूँ। जब घर पर ही मेरे को सही रिजल्ट मिल गया, वो टैनिंग रिमूव जो हो गई, तो मैंने कहा छोड़ो पार्लर फालतू खर्चा नहीं करेंगे। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बिना खर्चे के अपनी टैनिंग कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट में। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।